नमस्कार आदाब सत श्री अकाल केड़ो हाले केम छो कसक का है। सो गाइस, आज हर हफ्ते की तरह हम लोग निकले हैं दुर्ग भंडार किले की तरफ। और ये जो ट्रैक होने वाला है बहुत ही लाजवाब ट्रैक होने वाला है, क्योंकि सिर्फ ट्रैक नहीं, इसमें ट्रैवलिंग में भी मजा आने वाला है। तो कहते हैं ना, सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। सो कुछ इसी तरीके के आज ट्रैक होगा, सफर होगा, मजा आएगा। सो पूरा वीडियो देखिए, एंजॉय करेंगे साथ में। आप देख के एंजॉय करिए, हम ट्रैक करते हुए एंजॉय करेंगे। मिलते हैं दुर्ग भंडार में सीधा। दुर्ग भंडार के लिए हमारा ट्रैक चालू होता है। मुंबई से हम लोग निकले हैं, अभी सुबह के 4 बजे मुंबई से निकले हैं 12 लोगों के साथ। 12 लोगों की मंडली है और टेम्पो ट्रैवलर करके निकले हैं, और हमारे चालक मालक यही है अभी जो है। हाय बोलिए थोड़ा। और अपनी ग्रुप की मंडली है दोस्तों, 12 लोग है टोटल। पूरा इंडिया से हम लोग उठा के लेके आए हैं। पूरा वैरायटी है हमारे साथ में। केरला से है, तमिलनाडु से है, महाराष्ट्र से है, और ओडिशा और वेस्ट बंगाल से भी है। तो आंध्र का भी है और कर्नाटक का भी है। तो पूरा वैरायटी है अपने साथ, मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे। गाइज, हम पहुंच चुके हैं त्र्यंबकेश्वर में, और आज हम जाने वाले हैं दुर्ग भंडार फोर्ट। सो ये जो ऊपर दिख रहा है टॉप, यही दुर्ग भंडार है। इसे ब्रह्मगिरी भी कहते हैं, ब्रह्मगिरी हिल्स। ये बिल्कुल त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के पीछे है। सो ये ट्रैक चालू करने के लिए त्र्यंबकेश्वर ही आना पड़ेगा, और त्र्यंबक में गाड़ी या व्हीकल कुछ भी आप लेके आते हैं तो आप पार्किंग करके मंदिर की पीछे की साइड से ट्रेकिंग चालू कर सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पीछे 1 किलोमीटर चल के आने के बाद ये जो दिख रहा है यही हमें आज चढ़ने का है। एक्चुअली जो दो सीढ़ियों का जो दिखता है, ये दो पहाड़ों के बीच में वो सीढ़ियाँ है, ऊपर जाने के बाद और क्लियर से दिखेगा। तो यहाँ से ट्रैक स्टार्ट पॉइंट कह सकते हैं, और बाकी दिखाता हूँ आगे। ट्रैक चालू करने के बाद ऐसा बनी बनाई सीढ़ियाँ है,
चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ट्रैक बहुत ही आसान है, लेकिन ऊपर का जो माहौल है, जो नज़ारे हैं ऊपर से मिलेंगे, बहुत ही लाजवाब। ये पूरी भीड़ दोस्तों शिव जटा मंदिर तक है, ऊपर एक शिव मंदिर है शिव जटा मंदिर करके। दोस्तों ये सारी सीढ़ी चढ़ के आने के बाद प्लेटू है और ऊपर एक बड़ा पहाड़ है, लेकिन फॉग की वजह से, कोहरे की वजह से कुछ नहीं दिख रहा है। बहुत ही खूबसूरत नजारा है, बहुत लोग हैं, शिव भक्ति श्रावण के महीने में बहुत ही भीड़ है, जबरदस्त। दोस्तों पूरा ट्रैक करने के बाद हम यहाँ पहुँचे जटा मंदिर, शिव जटा मंदिर। यही वो जगह है जहाँ शिव जी ने अपनी जटाएं पटकी थी और उसके निशान यहाँ पे आपको देखने के मिलेंगे कुछ इस प्रकार। शिव जटा मंदिर क्रॉस करने के बाद शिव जटा मंदिर के आगे अभी दूर भंडार की तरफ जाते हुए बहुत ही खूबसूरत रास्ता है, पूरा कोहरे से ढका हुआ है, जहाँ जाने का वो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, पास में जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे दिखाई देगा। बढ़ते हैं, अरे तू कशाला टेंशन के तुम्हें तू चाल रे सांगा ना। दोस्तों फाइनली है वो जगह आ गई जिसका इंतजार था, इसे कुदरत का करिश्मा कह सकते हैं या फिर पुराने लोगों की मेहनत स्किल्स। अरे बाल बजरंग बल्ली कीजे इधर है, अरे बहुत ही डीप और बहुत ही खतरनाक बनाया हुआ है, आंखों से दिख भी नहीं रहा है कितना डीप है।
ब्रह्मगिरी मंदिर से आगे मूलगंगा मंदिर है और यहाँ पे गोदावरी नदी का उगम स्थान है। यहाँ से गोदावरी नदी चालू होती है, जो आपने कुंड देखा उसके अंदर से फ्लो दिख रहा है, बहती हुई गंगा दिख रही है, उसे गोदावरी नदी का उगम स्थान माना जाता है और यहाँ से गोदावरी नदी चालू होती है आगे। सो गाइज, इस तरीके से हमारा दुर्ग बंडा ट्रिक खत्म होता है। कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट में। कुछ नया है, बहुत ही यहाँ पे भीड़ नहीं है, आप ज़रूर आ सकते हैं। और दुर्गा भंडार में जाते टाइम पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, गोदावरी नदी का उगम, जटा शिव जटा मंदिर देखने को मिलेगा, तो ज़रूर एक बार विजिट करिए, बहुत ही अननोन प्लेस है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रैक पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय शिवाजी जय भवानी।